हेलो दोस्तों, कैसे हो साहब आप सब। तो आज हम जा रहे हैं मनाली और सूरज ताल में। पहले जाएंगे मनाली, उसके बाद सूरज ताल। बाकी अभी मैं जो है पैदल जा रहा हूँ और मेरी गाड़ी जो है नीचे आ गई है। आप देख सकते हैं रोड में जो गाड़ी खड़ी है छोटी सी यहाँ पर, वो सामने। तो ये दिन्नू है, दिन्नू की वाइफ है। तो हम जा रहे हैं, तो अभी हम जाएंगे मनाली के लिए। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ रोड में। मेरा घर काफ़ी दूर है दोस्तों, और मैं पहुंच गया हूँ अपना रोड में। तो अभी दिनू वहाँ पे खड़ा है और उसकी वाइफ भी है अभी। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पर है मेरे घर। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो टॉप की पहाड़ियाँ दिख रही है। यहाँ से मैं पैदल आया हूँ, काफ़ी दूर है। तो अभी आपको मैं मिलवाऊंगा अपने दोस्तों से। तो ये है मेरा दोस्त दिनेश, ये देखो। हेलो कर, हाय गाइस। किसको कर रहा है हेलो? हेलो गाइस, ये है मेरा दोस्त दिनेश। तो अभी हम जा रहे हैं मनाली, मनाली जा रहे हैं। तो जहाँ जिंदगी ले जाएगी, बाइक बोल रही है, बाकी देखते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हम चलते हैं। चलते हुए आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे, ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों अभी हम आए हुए थे कपड़े की दुकान में, पर हमें कुछ पसंद नहीं आया। हम जा रहे हैं वापिस, बहुत अच्छी दुकान है इंद्रा मार्केट में। चलो कभी आप भी यहाँ पर आ सकते हैं दोस्तों। इंद्रा मार्केट के बिल्कुल साथ में दुकान है, लाल एंड सन्स करके शॉप है, बहुत बढ़िया शॉप है। पर हमें जैकेट लेनी थी, तो जैकेट हमें पसंद नहीं आई। तो अभी हम आए हुए हैं मोहिनी को जूते लेने। शूज ले लिए हमने, कौन से, ये वाले शूज ले लिए हमने दोस्तों। कमेंट करके बताना कैसे हैं ये। पड़े हमें कितने के? 6000 के पड़े हैं ये शूज। देखना गाइस, कमेंट करना कैसे हैं दोस्तों। अभी हम कहाँ, अभी हम निकल गए हैं मंडी से। मंडी से आगे निकल चुके हैं हम दोस्तों, और अभी हम जा रहे हैं कुल्लू मनाली की तरफ। तो आगे हमने कुछ खाना भी नहीं खाया हुआ है, तो अभी हम आगे खाना भी खाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मैंने इनको बोला था कि हंगरी पॉइंट से बाय वन गेट वन फ्री का पिज्जा ले आना। अच्छा, वो तो बताया था, पर अभी हम थोड़ा लेट हो गए थे, और दिनेश भाई थोड़ा सा परेशान लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या परेशानी है। खर्चा तो काफी हो गया है, हमने काफ़ी खर्चा कर लिया है मंडी में, काफ़ी सामान ले लिया है। बाकी हम देखते हैं अभी आगे, जैसे गाड़ी में तेल भी डालना है हमारे को। और अभी जब कुल्लू में पहुंचेंगे तो गाइस कुल्लू का नज़ारा भी बताएंगे आपको। उसके बाद रात को हम लेट हो जाएंगे, अगर टाइम लगा तो हम ब्लॉग शूट करेंगे, नहीं तो फिर कल सुबह ही मिलते हैं। नहीं, जब हम खाना खाएंगे तब करेंगे। कितना पेट्रोल है? एक दो डंडे बचे हुए हैं, तो अभी हम पेट्रोल डाल रहे हैं गाड़ी में, ये आप देख सकते हैं। मंडी में पेट्रोल देखते हैं कितने का डालना है, फुल टंकी करवा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। तो पेट्रोल डालने के बाद फिर मिलेंगे आपसे, बार बार मिलते रहेंगे। अब मैं आगे शिफ्ट हो गई हूँ, भैया पीछे हो गया। हमने लाया है पिज्जा, अभी हम खाएंगे पिज्जा। हमने हंगरी पॉइंट से पिज्जा ऑर्डर किया हुआ है, और अभी हम गरम गरम पिज्जा खाएंगे। पर पिज्जा पता कौन सा ऑर्डर किया हमने? फ्री वाला। क्या बोलते हैं इसको? बाय वन गेट वन फ्री, क्योंकि हमें फ्री का खाने की आदत है। तो अभी हम खाएंगे पिज्जा, और साथ में कोक भी है, स्प्राइट भी है, और ये क्या है, जंबो पास्ता, और जंबो पास्ता भी है गाइस। अभी हम चलते चलते खाएंगे,
अगर कहीं जगह मिली साइड में तो हम कहीं साइड में बैठ जाएंगे। ओके बाय। बाय नहीं करनी अभी। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं आईआईटी मंडी कमांद में। यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मेरा कट क्यों करना, यही तो नेचुरल, बंदों को गलत नहीं चीज़ें नहीं दिखानी है गाइस। जो मेरा मतलब थोड़ा गला ना थोड़ा इसमें कुछ अटक गया, आप समझ सकते हैं, कभी कभार आपका भी ऐसे हो जाता होगा। कमेंट में बताना किस किस का होता है ऐसे, कई बार जवान मतलब फंस जाती है। अच्छा तो अभी हम पहुंच गए हैं आईआईटी मंडी में। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आईआईटी मंडी कमांद में। हम नीचे वाले रोड से जा रहे थे बट वहां पे ऐसा हुआ कि रोड थोड़ा ख़राब था और उसकी वजह से थोड़ा जाम लगा हुआ था, तो हमने रास्ता चेंज कर लिया है। अभी हम ऊपर वाले रास्ते से जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो अभी हम पहुंच गए हैं मनाली में और लोग ये हैं जो ऐसे घूम रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं कपड़े की दुकान में और अभी हम देखते हैं जैकेट्स वगैरह, देखते हैं अभी कुछ शॉपिंग करनी पड़ेगी नहीं तो फिर ठंड के कारण हम मर जाएंगे यहाँ पे। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं होटल में, होटल का नाम है होटल न्यू स्नो वर्ल्ड मनाली NSB और ये आप देख सकते हैं ये हमारा होटल है। इस प्रकार सा चेक इन क्या करवाना अपने भाई जी का होटल है, देखते हैं अभी हम जा रहे हैं अंदर।